आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में चिकन करी, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली। हमें इसे बनाने के लिए घंटों किचन में नहीं खड़ा रहने पड़ेगा, प्रेशर कुकर में फटाफट चिकन करी बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए किचन में बनाना शुरू करते हैं। 1 kg चिकन लिया है हमने, इसे अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हमें गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ाना है। प्रेशर कुकर चढ़ाने के बाद हमें सरसों का ऑयल ऐड करना है। सरसों का ऑयल हमें 2 बड़ा चम्मच ऐड करना है। उसे 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हमें सूखे खड़े मसाले ऐड करने हैं। 2 टुकड़े तेज पत्ते के लिए हैं, काली मिर्च 4 से 5 ली है, लौंग 4 से 5 लिए हैं, 2 हरी इलायची ली हुई है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 चक्री फूल लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च ली हुई है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सारे सूखे मसाले ऑयल में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। हमने प्याज लिए हैं, प्याज हमने 4 से 5 लिए हैं, इन्हें अच्छे से चॉप कर लिए हैं। अब हम इन्हें कुकर में ऐड कर देंगे और इन्हें भी भून लेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन भून चुके हैं। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें साथ ही सूखे मसाले ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे सूखे मसाले डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। मसाले भूनने के बाद अब हम दही ऐड करेंगे। दही हमें 1 बड़ा चम्मच ऐड करना है और ऐड करने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। 2 मिनट के लिए हमने दही को भी भून लिया है। अब हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स करके दोबारा से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम साथ ही चिकन ऐड कर देंगे और चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन डालने के बाद अब हमें गैस का फ्लेम मध्यम करके इसे 5 मिनट तक भूनना है लगातार चलाते हुए। भूनने से क्या होगा, चिकन का टेस्ट बढ़ के आएगा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 2 से 3 सीटी लगवा लेंगे और गैस का फ्लेम हमें कम रखना है। 3 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और कुकर ठंडा होने देंगे। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम सब्जी चेक कर लेंगे, कच्ची तो नहीं है। चिकन अच्छे से पक चुका है, सब्जी बन चुकी है। अब हम सब्जी में हरा धनिया ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ चिकन की सब्जी में 1 गिलास पानी डाला था। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए प्रेशर कुकर में हमारी चिकन करी बनकर रेडी है और कितनी जल्दी बन चुकी है और कितनी अच्छी दिख रही है, और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इस चिकन करी की रेसिपी को कब अपने किचन में ट्राई कर रहे हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।